जनपद बहराइच के दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घोसी उपचुनाव में मिली हार को स्वीकारते हुए साफ तौर पर कहा है कि घोसी का उपचुनाव हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे हैं। केशव मौर्य ने सपा पर पलटवार करते हुए यह भी कहा है कि मऊ लोकसभा चुनाव हम अवश्य जीतेंगे। अखिलेश यादव पर तीखा वार करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि एक सीट जीतने के बाद अखिलेश यादव जिस तरह गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, अगले चुनाव में जनता उनकी हवा निकाल देगी। सहयोगी पार्टी ओपी राजभर ने कहा है कि भले ही हम हार गए हैं लेकिन हम और दारा सिंह चौहान मंत्री जरूर बनेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, यह सच है कि हम लोग घोसी का चुनाव हारे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं और हार की समीक्षा पार्टी करेगी और निश्चित तौर से हम लोकसभा मऊ में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां जीतेगा। अभी उपचुनाव में थोड़ा हम लोगों को भी अति आत्मविश्वास था जिसके कारण जरूर हारे हैं, लेकिन हार को जीत में बदलने में देर नहीं लगती। हम लोकसभा का जब योगी आदित्यनाथ जी की सीट गोरखपुर छोड़े थे, जब मेरी लोकसभा सीट फूलपुर छोड़े थे, तब दोनों सीटें हम लोग हार गए थे तो समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई थी। तो अभी वो गुब्बारे की तरह फूली हुई है, जनता एक कोई स्विच होएगी, हवा निकल जाएगी और कमल खिल जाएगा। धन्यवाद।